अलवर जेल के अंदर से फिरोज मन्नाका ने पुलिस की नींद हराम कर दी। पुलिस का कहना है कि फिरोज ने जेल के अंदर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो अपलोड की है, और पुलिस का कहना है कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा, और पुलिस का ये भी कहना है कि फिरोज जेल के अंदर से कुछ वारदात भी करा सकता है। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो वीडियो पुरानी है या नई, और मैं बता दूं कि फिरोज के नाम से बहुत सारा फेक अकाउंट भी बने हुए हैं। सभी भाइयों से गुजारिश है कि फिरोज की पुरानी वीडियो को नई बनाकर वायरल ना करें। भाई फिरोज सरकार अलवर के ऊपर पुलिस ने उठाया भाई सवाल, तो वीडियो जेल के अंदर कहाँ से बनी, मतलब जेल में मोबाइल चला रहो वक अकाउंट जो भी चला रहा, मतलब तो वहाँ पे 6 दिन के भीतर वो वीडियो अपलोड हुआ। अब वो फ्रॉड अकाउंट है ओरिजिनल ये चीज़ की तुम लापत हो, लेकिन वक पुरानी वीडियो ने मत डालो भाई उठा उठा जाए, वक मुसीबत हो जेल में कहा पाए तो तुम अखबार देख रहे हो साइड में आप पढ़ सको, तुम हम सब कुछ लिख रहे हो कि जेल के अंदर फ़ोन कैसे पहुँचा, और वह को पर्सनल अकाउंट पर मैं चेक करो जाकर तो वह पर कोई वीडियो ना है, ऐसा ना हो कोई वक्त नाम से फ्रॉड अकाउंट चला रहे हुए, तो भाई ऐसे मत करो। एक तो जेल के अंदर की वीडियो बताई कोई, एक मतलब जेल से बाहर की कोर्ट में जैसे पेशी को आयो, तो ये चीज़ पर सवाल उठ रहा सभी भाई से कहूँ कि वह पुरानी वीडियो में वायरल मत करो, तो यही है यार जेल में वो बेचारा भी मुसीबत हुआ। और तुम थोड़ा सा लाइक फॉलोअर के मारे कुछ भी करम तैयार हो, जेल के अंदर मतलब जो आदमी रहे वापस रहे कहा भी थे वो, तो कोई भी वक्त फ्रॉड अकाउंटेंट चला रहो तो भाई ऐसी वीडियो मतलब नई बना बना वायरल मत करो, उन पुरानी जो कद कद की वीडियो अब उन पर एक्शन उठो, तो सभी भाई से मत यही कहूँ कि यार ऐसे मत करो।